छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भूलाहू। इस बड़ी खबर आ रही भिलाई से, जहां पर एक बार फिर से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है, लॉज में चल रहा था हाईटेक सेक्स रैकेट, बंगाल की दो लड़कियां समेत तीन कॉल गर्ल्स गिरफ्तार हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है, व्हाट्सएप से होती थी लड़कियां और रेट फिक्स, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। एक बार फिर से दुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापा मारकर तीन कॉल गर्ल, एक कस्टमर और एक दलाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लड़कियों में से दो लड़कियां बंगाल की रहने वाली है, जबकि एक दुर्ग की है। ये पूरा सेक्स रैकेट दुर्ग के एक लॉज में संचालित हो रहा था। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। दरअसल दुर्ग के नगर छावनी CSP को शनिवार की रात महात्मा गांधी मार्केट स्थित सुविधा लॉज में सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने इस मामले में अपने मुखबिर को ग्राहक बनाकर उन लड़कियों के पास भेजा था। मुखबिर ने जब उन लड़कियों और दलाल से संपर्क किया तो लड़कियां देव व्यापार के लिए राजी हो गई। लड़कियों के तैयार होने और एडवांस ले जाने के बाद मुखबिर ने छापे के लिए तैयार पुलिस को सूचना दे दी। सिग्नल मिलते ही पुलिस ने सुविधा लॉज में रेड किया। ट्रेनी महिला DSP डॉक्टर चित्रा वर्मा की अगुवाई में इंस्पेक्टर विनय सिंह और पुलिस कर्मियों की टीम ने लॉज में छापेमारी कर तलाशी शुरू की। लॉज के मैनेजर ने सेक्स रैकेट संचालन की बात कबूल कर ली है। तो पुलिस ने लॉज के कमरे से लड़कियों के साथ एक कस्टमर और आपत्तिजनक हालात में पकड़े हैं। वही अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी तलाशी के दौरान पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने इस दौरान तीन लड़कियों और तीन पुरुष को मौके से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक लॉज में लंबे समय से सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था। यहाँ कई और भी राज्यों की लड़कियों ने अपने आने की जानकारी और रैकेट के जुड़ी जानकारी पुलिस तलाश कर रही है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं।